हजारीबाग शहर के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरचू नगवा के युवक की हत्या कर लाश बंद पड़े माइंस में फेंक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर उसके दोस्तों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सोनू केसरी की यह रिपोर्ट। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना अंतर्गत चुरचू नदी के समीप दिलीप मेहता के बंद पड़े पत्थर खदान से पुलिस ने 26 वर्षीय युवक रंजीत कुमार मेहता, पिता बद्री प्रसाद मेहता का शव बरामद किया है। रंजीत सोमवार से लापता था और उसके गायब होने को लेकर उसके चाचा ने सनहा दर्ज कराई थी। अपने स्तर से खोजबीन के दौरान परिजनों ने उसकी लाइंस में लाश पड़ी देखी। सिर और पीठ पर चोट के निशान देखे। परिजनों की शिकायत पर संजय पप्पू यादव समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार और अंचल इंस्पेक्टर ललित कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतक दोस्तों के संग निकला था। उस दिन रात 12:30 बजे तक उसका मोबाइल ऑन था, उसके बाद वह स्विच ऑफ हो गया। उन्होंने कहा कि अभी पड़ताल चल रही है। मरने वाला खेती बाड़ी अभी कर रहा था, लेकिन कुछ माह पहले तक वह सड़क पर फास्ट फूड बेचने का काम करता था। विजय के साथ हुई और कैसे मृत्यु हुई? मेरा भतीजा को संजय कुमार पिता बंगाली प्रसाद मेहता बुला कर ले गया था, फिर वो मुर्गा कहीं बनाकर खाया। उसके बाद पप्पू यादव के दुकान के पास गाड़ी खड़ा करके वो लोग वहीं कुछ देर तक दारू पानी किया। उसके बाद से वो लड़का मेरा भतीजा गायब हो गया। कल दिन में हम लोग खोजबीन चालू किए तो पता चला कि वो आ जाएगा, संजय का कहना था आ जाएगा। हम लोग बोल रहे थे वो कहाँ है बता, फिर वो नहीं बताया। तब फिर हम लोग शाम 7 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास हम लोग कोरा थाना को सूचित किए। कोरा थाना रात में तो नहीं गए, सुबह जब हुआ तो हम लोग वो गायब लड़का को जब खोजने लगे तो एक बंद पड़ा हुआ खदान में उसका लाश मिला। तो फिर हम लोग सूचित किए थाना को, तो जा करके 3 अभियुक्त को पकड़ के लाए, एक संजय कुमार, दूसरा पप्पू यादव और तीसरा धर्मवीर कुमार। और हमको लगता है ये तीनों मिल करके मारा है, और मार करके वहाँ फेंक दिया, धारदार हथियार से मारा है। क्या परिचय बात है? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, हम मेरा घर चुरचू है और वो जिसका मर्डर हुआ उसका हम चाचा। अच्छा, मर्डर जिसका, उसका क्या नाम है? रंजीत कुमार मेहता। अच्छा, उसके रंजीत कुमार उसके आप चाचा हैं? या ये क्या कुछ काम किया करता था? ये हवाई अड्डा में फास्ट फूड का दुकान चलाता था। उसके बाद NH बनने के कारण दुकान बंद था, तो खेती बाड़ी कर रहा था। तो क्या कभी किसी तरह की कोई घटना उठना घटी है क्या पूर्व में? वो दोनों में काफी दोस्ती रहता था, संजय से के साथ काफी दोस्ती रहती है। और वही बुलाकर कब ले गया था? परसों दिन में तीन बजे बुलाकर ले गया। और उसके बाद आप परसों रात में खोजबीन किए? परसों 7:30 बजे तक उसके साथ दिखा। अच्छा, 7:30 बजे के बाद दिखने नहीं लगा तो हम लोग खोजबीन। अच्छा, खोजबीन करना चालू किए और फिर कल जाके कोरा थाना को सूचना दिए आप लोग? सामने कोरा थाना सूचना दिए। तो कोरा थाना खोजबीन नहीं किए? ये खोजबीन थाना आश्वासन दिए कि आप जाइए, हम लोग आएंगे रात में, हाँ खोजबीन करेंगे। लेकिन रात में हम लोग के पास कोरा थाना गई नहीं। सुबह में हम लोग खदान उदान देखने लगे, कहीं कुआं वुआ का चेक करने लगे, तो उसी दरमियान मिला खदान वाला। अच्छा, आप ही लोग खोजबीन के दौरान पाया गया है ना? तब हम लोग कोरा थाना को सूचित किए तो गए, तो अभी इसको पकड़ के लाए। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद। हाँ, मृतक के चाचा हैं हम। मृतक कहाँ घर हुआ? चुरचू थाना कोरा थाना।